नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। भारत में क्रिकेट विश्व कप का आगाज हो गया है। 5 अक्टूबर को विश्व कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 14 ओवर शेष रहते हुए इंग्लैंड को 9 विकेट से रौंदा। इसका शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया जा चुका है, लेकिन विश्व कप से पहले कई विवाद और कई धमकियां सामने आ रही है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर बीसीसीआई के साथ आईसीसी में भी चिंता है। इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम ने भारत से एक मांग की है। पाकिस्तान ने उसकी क्रिकेट टीम को सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान किया है, यानी पाकिस्तान को लगता है कि उसकी टीम भारत में सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने इस मामले में कहा, विश्व कप की मेजबानी कर रहे देश को आईसीसी विश्व कप 2023 में हमारी टीम को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की टीम वास्तव में भारत में सुरक्षित नहीं है? ऐसा नहीं है। भारत में मेहमान प्लेयर्स को जितनी सुरक्षा दी जाती है, उतनी सुरक्षा शायद ही किसी अन्य देश में प्लेयर्स को दी जाती हो। यानी पाकिस्तानी अधिकारी ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के मीडिया कर्मियों को वीजा नहीं दिया, जबकि इसके लिए उन्होंने बहुत पहले ही अप्लाई कर दिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने इस प्रकार की मांग क्यों की, यानी कि प्लेयर्स को सुरक्षा देने की मांग क्यों की? इसका जवाब ये है कि हाल ही में खालिस्तानी समर्थकों ने विश्व कप के दौरान भारत में आतंकी हमला करने की धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान के मैच में हमला करने की धमकी दी है। उसने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज में कहा कि पीएम मोदी कनाडा में शहीद निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और सिख फॉर जस्टिस इसका बदला लेकर रहेगा। यही नहीं, पन्नू ने कहा कि अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप के मैच खालिस्तान के टारगेट पर होंगे और स्टेडियम में खालिस्तानी झंडे भी फहराए जाएंगे। इस धमकी के बाद गुजरात पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसियों के संपर्क में है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आतंकी हमले की धमकी के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। बता दें, किसी के बाद स्टेडियम के आसपास के पूरे इलाके में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, यानी कि सुरक्षा ज्यादा है। अब जब से खालिस्तान की मांग शुरू से उठी है, तब से ही पाकिस्तान उसका कितना समर्थन करता है हम ये सब जानते हैं। सुरक्षा एजेंसियां बार बार ये बता चुकी हैं कि पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकियों की मदद भी कर रहा है और उन्हें शरण भी दे रहा है। ऐसे में खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन देने वाला पाक खुद उससे डर रहा है। ये कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे बयानों के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में खालिस्तान की मांग तेज हो रही है, जबकि भारत का खालिस्तान को लेकर हमेशा से ही रवैया साफ रहा है। पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसने पाकिस्तानी प्लेयर्स की सुरक्षा की भी मांग की है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।